हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 11 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इसका ऑफिशियल बिल्ड वर्सन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ न्यूज़ के मुताबिक ये पता लग रहा है कि इस ईयर में दिसंबर महीने के एंड में शायद हमको फुल्ली ऑफिशियल इसका जो लॉन्च है वो हो जाएगा। लेकिन आप क्या अपने सिस्टम में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि लगभग हर एक डिवाइस में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे कि नहीं? इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के एक ऐप दिया है जिसके मदद से आप इसको ज़रूर से चेक कर पाएंगे। तो ये पहले आपको चेक कर लेना है। तो ये आप कैसे चेक कर पाएंगे वो देख लेते हैं। पहले चेक करने के लिए आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप जाइए विंडोज़ और इसके बाद विंडोज़ 11। यहाँ पर आपको एकदम स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। एकदम नीचे आप चले जाइए पेज के नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, कितना रैम चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितना डिस्प्ले, ग्राफिक्स कार्ड, ये आप देख लेना। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डाउनलोड ऐप, इस पर क्लिक कीजिए और ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और हो जाने के बाद ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप उसको ऐप को ओपन कीजिए। ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। चेक नाउ पे आप क्लिक कीजिए। तो ये मेरे को दिखा रहा है दिस पीसी कैन रन विंडोज 11। अगर आपका कंफर्टेबल नहीं होगा तो ये दिखाएगा दिस पीसी कैन रन विंडोज 11। दोस्तों, अगर आपका सिस्टम एलिजिबल होता है विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए तो आपके सिस्टम में ये टोटली फ्री में ही अपग्रेड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर विंडोज का एकदम जेन्युइन ऑफिशियल वर्सन यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जब ये फुल वर्सन फुल बिल्ड लॉन्च कर दिया जाएगा तो ये सिस्टम अपडेट के तौर पे आपको भी मिलेगा। जब रोल आउट होना चालू होगा ये अपडेट तब भी आपको मिलेगा और ये आप बिल्कुल फ्री में ही अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 11 में बहुत सारे नई फीचर्स ऐड की गई है, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स ऐड की गई है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो अपडेट है कि आप विंडोज़ 11 में एंड्रॉयड ऐप्स को इजीली अपने विंडोज़ में यूज कर पाएंगे। जी हाँ, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि आप विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप्स यूज कर सकते हैं। विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजोन के साथ टाई अप किया है। आपको अमेजोन का अकाउंट होना ज़रूरी है और आप अमेजोन में लॉगिन करते ही आपका जो एंड्रॉयड ऐप्स है वो अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। और इसको आप अपने बार में को पिन करके रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है। दोस्तों, विंडोज़ 11 में और भी कई फीचर्स ऐड की गई है, जैसे कि आपको 5G का सपोर्ट मिलने को देख जाएगा। अगर आपका मॉनिटर HDR सपोर्ट करता है तो ऑटो HDR भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर आपका टच स्क्रीन है तो आप टच स्क्रीन से भी आपको पूरा जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो आपको विंडोज़ 11 में देखने को ज़रूर मिलेगा। और आपको इंटेलिजेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपका स्पेशियल साउंड सपोर्ट करता है आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में तो ये भी फीचर्स आपके लिए मिलेगा। और दोस्तों, एक जो दिया गया है अपने सिक्योरिटी के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी आपको विंडोज़ 11 में ज़रूर से ही मिलेगा। और दोस्तों, जो एक्सबॉक्स का गेम है वो भी यहाँ पर विंडोज़ 11 ने खास करके गेमिंग के लिए बहुत ही फीचर्स और बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस इसमें दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आप विंडोज़ 11 के लिए कितना एक्साइटेड है और कौन सा फीचर्स आपको ज़्यादा पसंद आया और कौन सा ऐसा फीचर्स है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये विंडोज़ 11 में होना चाहिए, तो ये सब आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा।
तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।